Good afternoon to all. Today we are discussing the credit derivative. This chapter we continue from last session. In last session we started this chapter credit derivative, but in last session we just understand why this credit derivative is important, because there is always a risk called credit risk. For reducing or for removing that credit risk, we require a credit derivative. So I hope you know what is credit risk. Credit risk means risk of not getting money back. पैसे नहीं मिलने का जो रिस्क है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, और वो क्रेडिट रिस्क को रिमूव करने के लिए क्रेडिट डेरिवेटिव का यूज होता है. टुडे वी आर डिस्कसिंग हाउ दिस वर्क. क्लियर? सो टिल दिस वी डिस्कस इन लास्ट. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स. रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट. जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो उसमें से कितना रिटर्न मिलता है हमको, ठीक है? A trading, first point, a trading portfolio may pay more than expected if the going is good, while a loan portfolio never pay in excess of interest and principal. This is very important. अगर हम कहीं पर ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा हमको मिल सकता है अगर अच्छा गया तो. बट जब हम किसी को लोन देते हैं तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता. एक्सपेक्टेशन मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से ज्यादा आपको कोई कभी कोई देगा ही नहीं. खुश होकर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये टिप रख लो, या आपने 1 लाख इंटरेस्ट पे करना है तो वो आपको 2 लाख इंटरेस्ट देगा, ऐसा कभी नहीं होगा. तो जब ट्रेडिंग करते हो तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल सकता है, बट जब आप किसी को लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन करते हो किसी के साथ, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको नहीं मिलता है. देयरफॉर रिटर्न फ्रॉम डेब्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसीलिए डेब्ट में से जो रिटर्न मिलता है, डेब्ट मतलब ये लोन और एक्सेट्रा डिबेंचर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. क्योंकि नॉर्मली मतलब जो जनरली रैंडमली चलता है वो, ठीक है? सो डेब्ट इज नॉट ट्रेडेड एज मच एज इक्विटी एंड इज रादर लिक्विड. देखो, इक्विटी इज लिक्विड है कंपेयर टू डेब्ट. डेब्ट से ज्यादा लिक्विड इक्विटी है, क्योंकि अगर आपको इक्विटी को कभी सेल करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन लोन को तुरंत बंद करना है, तुरंत रीपेमेंट चाहिए तो नहीं मिलेगा. जितना टाइम पीरियड उससे पहले पेमेंट नहीं मिलेगा. So, ज्यादा लिक्विड नहीं है ये. सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डेट रिमेन द ओटीसी. और जनरली ये जो क्रेडिट डेरिवेटिव होता है वो ओटीसी में यूज होता है, क्योंकि लोन और ये सब थ्रू एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है? लोन का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट रिस्क, ये सब क्या है कि ओटीसी जनरली. तो इन शॉर्ट दिस क्रेडिट डेरिवेटिव जनरली यूज ओटीसी. क्लियर? देन डिफॉल्ट इवेंट. नाउ डिफॉल्ट इवेंट किसको बोलते हैं? डिफॉल्ट मतलब आई होप यू नो, डिफॉल्ट मीन्स नहीं होने का, कोई भी इवेंट नहीं होने का रिस्क है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है? क्रेडिट डेरिवेटिव आर इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड हेज अगेंस्ट द क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको क्रेडिट रिस्क से हेजिंग करवाता है. हेजिंग मतलब रिस्क रिड्यूस करने का काम करता है क्रेडिट डेरिवेटिव इन क्रेडिट रिस्क. Later on, we understand how this work, कैसे होता है, with an example. Second point, actual default are generally preceded by some event that forward default. और कुछ इवेंट ऐसी होती है कि जो डिफॉल्ट होती है, और डिफॉल्ट होने के रीजन नीचे लिखे हुए हैं. The event that signify default. Event default क्यों हो सकती है, तो नीचे रीजन लिखे हैं कि downgrade of the firm, debt issue by them. फर्म ने जो डेब्ट इश्यू किया है वो डाउन हो गया, इसीलिए फर्म डिफॉल्ट हो सकती है. बैंक करप्सी मतलब आप जानते हो, अगर बैंक करप्सी हुई तो फिर भी डिफॉल्ट होने का चांसेस है. मतलब हमने जिसको लोन दिया है वो डिफॉल्ट होने का चांसेस कब है, ये दीज आर द रीजन. डिलिक्वेंसी, लॉसेस ज्यादा हो गया, फेलिंग इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी फेल हो गई तो शायद चांसेस है कि हमको पैसा जो मिलना चाहिए था वो ना भी मिले. And movement of a interest rate and exchange rate. शायद exchange rate increase decrease हो गया, interest rate increase decrease हो गया. तो क्या होता है कि ये सब होने के कारण risk सामने वाले को बढ़ जाता है. सामने वाले को ज्यादा payment करना पड़ता है. तो अगर सामने वाले को कभी कभी ज्यादा payment करना पड़ता है, then he thought कि भाई नहीं payment करना है, इसलिए loan payment नहीं करते हैं. शायद उसका अच्छा situation ना हो. तो बहुत सारे reason है default होने के. Default मतलब पैसे वापस नहीं मिलने के. ठीक है, तो दीज आर द डिफॉल्ट. नाउ रिटर्न
क्रेडिट डेरिवेटिव. अभी क्रेडिट डेरिवेटिव में रिटर्न क्या मिलता है, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लास्ट में समझते हैं एक और एग्जांपल जब आएगा सीक्वेंस में कि एक्चुअली क्या है. लेकिन इन सिंपल टर्म क्रेडिट डेरिवेटिव हेल्प टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क, ठीक है. कैसे हम बाद में समझते हैं. अब क्रेडिट डेरिवेटिव में से रिटर्न क्या मिलता है अभी, तो क्रेडिट डेरिवेटिव वुड बी एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ द यील्ड ओवर द रिस्क फ्री रेट. ये जो क्रेडिट डेरिवेटिव का जो वैल्यू डिसाइड होता है वो रिस्क फ्री रेट से डिसाइड होता है, ठीक है. ये जो क्योंकि क्रेडिट डेरिवेटिव का वैल्यू तो भी डिसाइड करना पड़ेगा ना, कितना पेमेंट करना है, किसको कितना पेमेंट करना है, ठीक है. तो ये जो डेरिवेटिव का जो पेमेंट है वो डिसाइड और वैल्यू जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फ्री रेट. नाउ द रिटर्न ऑन द डेब इंस्ट्रूमेंट इज सपोज टू कवर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एज वेल एज डाउनग्रेड. मतलब ये जो क्रेडिट डेरिवेटिव है वो किसके लिए यूज होती है, टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क, सिंपल. एंड विद ईच डाउनग्रेड द मार्केट वैल्यू ऑफ डेब इंस्ट्रूमेंट डिक्लाइन. इफ अगर डाउनग्रेड मतलब डाउन गया वैल्यू, ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट का मार्केट वैल्यू भी क्या आ जाएगा, डाउन. तो सिंपल है, रिटर्न क्रेडिट डेरिवेटिव में इतना ही है कि जो क्रेडिट डेरिवेटिव का वैल्यू डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फ्री रेट. Now feature of credit derivative. Actually credit derivative hota kya hai, abhi start ho raha hai. Credit derivative enable passing the credit risk of an assets to the third party. Ye credit derivative jo hai wo credit risk third party ko pass karta hai. Credit derivative is an instrument who pass the risk, credit risk to the third party. How? We'll discuss. Second point, credit derivative permit an investor to replicate the return of the financial instrument or a portfolio of assets or an entity without directly engaging into the underlying transaction of advancing a credit. क्या है credit derivative में जो third party है वो direct involved नहीं होती है. देखो लिखा है second point again, credit derivative permit an investor, investor मतलब जो third party है वो, to replicate the return of the financial instrument or a portfolio of assets and entity without directly engaging into the underlying transaction. मतलब यहाँ पर जो third party है, who is the third party we'll discuss, वो directly ये contract में engage नहीं होती है, ठीक है. चलो देखते हैं एक example के साथ. Pay attention here, एक बार समझ लो कि कैसे होता है credit derivative use. Now let's take an example. ध्यान से समझना जो मैं cursors वहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है. Now we are two party, protection buyer, protection seller, and third party is reference entity or reference obligation. चलो मैं समझाता हूँ कि क्या है. Now अभी ये जो है protection buyer और reference entity जो है मतलब reference obligation, इन दोनों के बीच में contract हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इन दोनों के बीच में हुआ है. ध्यान से देखना, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो प्रोटेक्शन बायर है, प्रोटेक्शन बायर इज अ पर्सन हु गेव अ लोन टू दिस रेफरेंस एंटिटी. ये कोई रेफरेंस एंटिटी मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको लोन दिया है. किसने लोन दिया है? प्रोटेक्शन बायर. ये प्रोटेक्शन बायर क्यों है वो हम बाद में समझते हैं, बट आप ये समझ लो कि ये जो प्रोटेक्शन बायर जो पर्सन है, here there are three person involving in the credit derivative. Teen insan involve hote hain. Pehle directly kon involve hota hai, to directly involve hota hai jo loan deta hai aur jo loan leta hai. Matlab yahan par ye example mein ye jo protection buyer hai, thoda yaad rakhna, this protection buyer give the loan to the reference entity. Yahan pe jo insan hai usko loan diya hai, lekin ye jo buyer hai, protection buyer mat samjho isko, ye jo insan hai protection wala, इसको रिस्क है कि शायद ये जो रेफरेंस एंटिटी वाला इंसान है वो उसको पेमेंट ना करे. मतलब देयर इज अ क्रेडिट रिस्क. ये जो प्रोटेक्शन बायर वाला इंसान है, यहाँ पे जो भी इंसान है जिसने लोन दिया है, उसको रिस्क है कि ये जो रेफरेंस एंटिटी पर्सन है वो शायद पेमेंट ना करे. इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन बायर है वो थर्ड पार्टी से जो अननोन है, अननोन मतलब किससे अननोन है, ये रेफरेंस एंटिटी नहीं जानता है. इसमें जिसको लोन मिला है मतलब जिसने लोन लिया है वो नहीं जानता है कि इसने प्रोटेक्शन लिया है, ठीक है. अभी चलो समझते कि इसको प्रोटेक्शन बायर, इसको प्रोटेक्शन सेलर क्यों बोलते हैं. तो ये प्रोटेक्शन बायर वाला जिसने लोन दिया है,
ठीक है, प्रोटेक्शन बाहर वाले ने लोन दिया ना इसको, और इसको रिस्क है कि भी शायद ये प्रोटेक्ट रेफरेंस एंटिटी पैसा ना दे, इसलिए इसने प्रोटेक्शन बाय किया किससे, इससे लाइक इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन सेलर से बाय किया, इसलिए इसने प्रोटेक्शन दिया, दैट्स व्हाई इट इज प्रोटेक्शन सेलर, और इसने प्रोटेक्शन लिया, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोटेक्शन बायर। ठीक है, तो अभी ये प्रोटेक्शन सेलर कौन है? प्रोटेक्शन सेलर इज एन इन्वेस्टर और थर्ड पार्टी है जो प्रोटेक्शन देता है। क्या प्रोटेक्शन देता है? ये बोलता है कि अगर ये रेफरेंस एंटिटी इसको पैसा नहीं देगा लोन का, तो मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोटेक्शन सेलर कौन है? इसने इसको प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन बायर को, मतलब ये प्रोटेक्शन सेलर प्रॉमिस करता है कि अगर ये रेफरेंस एंटिटी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन उसके बदले में अगर हम किसी से प्रोटेक्शन लेते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, तो सामने हमको क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम। मतलब प्रोटेक्शन बायर पे द प्रीमियम और सामने प्रोटेक्शन सेलर जो है वो उसको प्रोटेक्शन देता है कि अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन लिया है ये रेफरेंस एंटिटी को नहीं पता होता है, वो नहीं जानता है कि उसको रिस्क है और उसने किसी के पास से प्रोटेक्शन लिया है। क्लियर? तो दैट इज, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट डेरिवेटिव। नाउ अगर अभी दो चांसेस है, अगर ये रेफरेंस एंटिटी ने टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया ये इसको प्रोटेक्शन बायर को, तो ये प्रोटेक्शन सेलर का कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसने रेफरेंस एंटिटी ने पेमेंट कर दिया प्रोटेक्शन बायर को जिसने लोन लिया था, तो ये प्रोटेक्शन सेलर का कोई रोल नहीं आएगा। इसका फायदा क्या? इसको प्रीमियम मिल गया, दैट्स ऑल, ओके, इसका फायदा। लेकिन अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो इसका पेमेंट कौन करेगा? प्रोटेक्शन सेलर इसको पे करेगा, प्रोटेक्शन बायर को, जो लोन का अमाउंट है वो। इसलिए ये एग्जांपल में ये प्रोटेक्शन बायर सेफ है, भले उसने लोन दिया है रिस्क है, बट प्रोटेक्शन बायर क्या है? सेफ, सिर्फ उसको पे करना पड़ेगा इनिशियली प्रीमियम। ठीक है, तो वो प्रीमियम का एक एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन में और उसमें समझते हैं, अगर हमको प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है, अगर हमको ऑप्शन बाय करना है, राइट टू कॉल है, राइट टू, तो हमको प्रीमियम देना पड़ता है, सेम टू सेम। यहाँ पर तो दो चांसेस है, अगर ये रेफरेंस एंटिटी पेमेंट कर देगा तो प्रोटेक्शन सेलर का कोई रोल नहीं होगा, उसको सिर्फ प्रीमियम मिलेगा। लेकिन इफ रेफरेंस एंटिटी डज नॉट पे द लोन अमाउंट, देन प्रोटेक्शन सेलर पे होल अमाउंट टू द प्रोटेक्शन बायर। सिंपल, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट डेरिवेटिव, हाउ दिस वर्क। और दिस क्रेडिट डेरिवेटिव जनरली वर्क्स इन ओटीसी बिकॉज दिस लोन ट्रांजेक्शन एंड एक्सेट्रा ट्रांजेक्शन डज नॉट एप्लीकेबल टू स्टॉक एक्सचेंज। Clear? So this is the simple way of credit derivative. इसको बोलते हैं credit default swap. क्या बोलते हैं उसको? Credit default swap का ये example है. ठीक है? पूछा जाता है, इसको थोड़ा याद रखना। चलो फटाफट समझते हैं, अभी जो हमने समझा उसको थोड़ा थी मतलब पैराग्राफ में समझते हैं। Now CDS मतलब credit default swap, जो अभी हमने समझा, is an agreement where protection buyer pay periodic premium for compensation of the potential loss. ये जो protection buyer है, ये protection buyer, ये periodically इसको क्या pay करता है? Premium. ऐसा भी हो सकता है periodically मतलब time to time installment में, या एक साथ भी premium pay करे, depends on the condition because this is the OTC market. Then second, the obligation of the protection seller, जिसने protection sell किया है, मतलब जिसने protection दिया है, are contingent upon happening the defined default event. ये जो protection seller है, ये प्रोटेक्शन सेलर, इसका रोल कब आएगा? जब डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट मतलब ये पेमेंट ना करे, तब इसका रोल आएगा। ठीक है, एंड लास्ट, डिफॉल्ट इवेंट आर द इवेंट फॉर व्हिच प्रोटेक्शन सेलर वुड कंपेंसेट द प्रोटेक्शन बायर। अगर डिफॉल्ट इवेंट होता है तो प्रोटेक्शन सेलर पूरा अमाउंट प्रोटेक्शन बायर को पे कर देगा। सिंपल। चलो सेटलमेंट कैसे होगा, हाउ दिस CDS सेटल। CDS मतलब क्रेडिट, जो हमने पढ़ा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ठीक है, द CDS कंक्लूड्स ऑन, दो तरह से कंक्लूड्स हो सकता है, शेड्यूल टर्मिनेशन डेट। ठीक है, शेड्यूल टर्मिनेशन डेट मतलब जो डेट से लोन लिया है, ध्यान से सुनना, ये शेड्यूल दो तरह से कंक्लूड हो सकता है ये डिफॉल्ट CDS। अगर मैच्योरिटी डेट आई लोन की और वो जो जिसने लोन लिया है वो अगर पेमेंट कर देगा मैच्योरिटी डेट पे, तो CDS बंद हो जाएगा, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो जाएगा।
समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? दो तरह से सेल्फ पेमेंट होता है, समझो कैसे। अगर ये रेफरेंस एंटिटी ने पेमेंट इसको कर दिया मैच्योरिटी डेट पे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। दूसरा चांसेस, अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बंद हो सकता है? प्रोटेक्शन सेलर हैव टू पे टू प्रोटेक्शन बायर, ऐसे लिखा है। देखो द हैपनिंग ऑफ द क्रेडिट इवेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्ली होता है वो, ठीक है। नाउ इफ पीरियड ऑफ स्वैप एंड विदाउट क्रेडिट इवेंट हैपनिंग, अगर जितने पीरियड का ये स्वैप किया है, स्वैप मतलब लोन दिया है, वो विदाउट एनी क्रेडिट इवेंट पूरा हो जाता है, मतलब हमने 5 साल का 1 साल का लोन दिया है और बीच में क्रेडिट इवेंट हुआ ही नहीं, मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट ही नहीं हुआ और उसने पेमेंट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये देयर इज नो कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो प्रीमियम उसने पे किया है प्रोटेक्शन बायर ने वो उसको जाने देना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल है, अगर वो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर देता है तो प्रोटेक्शन सेलर का कोई रोल नहीं आता है, लेकिन प्रोटेक्शन बायर हैव टू लीव ऑफ द प्रीमियम, सिंपल। Now, what is the difference between CDS and insurance? ये बहुत important है। ये समझाते हैं कि CDS, credit default swap, और insurance का difference क्या है? तो एक ही difference है basically। अगर हम समझते तो, the payment made by the protection seller in case the default event occur is called protection payment। क्या होता है? The payment made by the protection seller in case अगर default event हुआ, तो protection seller को, protection seller मतलब जो right hand side था, उसको प्रोटेक्शन बायर को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन पेमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ तो प्रोटेक्शन बायर हैव टू पे टू प्रोटेक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन सेलर हैव टू पे टू प्रोटेक्शन बायर, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन पेमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन पेमेंट, क्लियर। दिस इज ऑफन सिमिलर एज अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो सीडीएस है वो इंश्योरेंस से सिमिलर है, सिमिलर है, सेम तो सेम नहीं है, एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अंडर इंश्योरेंस द लॉस्ट मस्ट एक्चुअली बी इंकर्ड, इंश्योरेंस में एक्चुअली लॉस होता है और उसके आधार पे कंपेंसेशन होता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया और हमको एक्सीडेंट हुआ या किसी का डेथ हुआ, तो वो एक्चुअली लॉस हुआ है और उसको कंपेंसेट करता है इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए इन इंश्योरेंस एक्चुअली लॉस होता है और उसको कंपेंसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, ठीक है। लेकिन सीडीएस में द क्रेडिट इवेंट इज सफिशिएंट कॉज प्रोटेक्शन पेमेंट, यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन पेमेंट कब होता है? जब क्रेडिट इवेंट होती है, क्रेडिट इवेंट मतलब पेमेंट जब नहीं करता है जिसने लोन दिया है, तो प्रोटेक्शन सेलर हैव टू पे टू प्रोटेक्शन बायर, सिंपल। मतलब यहाँ पे एक्चुअली कोई देखने जाए तो नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन बायर को तो पैसा मिलने ही वाला है, ठीक है। इसीलिए तो इंश्योरेंस और सीडीएस का मेन डिफरेंस ये है कि इंश्योरेंस में एक्चुअली लॉस दिखता है और होता है, ठीक है, फिजिकली लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे फिजिकली ऐसा कोई लॉस होता नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीडीएस एंड इंश्योरेंस। एक और डिफरेंस है, CDS एंड फाइनेंशियल गारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको पहले ऊपर ओवरऑल समझा देता हूँ। इन CDS, अगर मैंने आपको जो डायग्राम समझाया उसमें ये था कि जब समझते हैं CDS क्या है, एक और बात, जब प्रोटेक्शन बायर ने प्रोटेक्शन सेलर से प्रोटेक्शन लिया है, ये रेफरेंस एंटिटी को पता नहीं होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो प्रोटेक्शन बायर ने जो प्रोटेक्शन लिया, ये रेफरेंस एंटिटी को नहीं पता होता है, दैट इज कॉल्ड CDS। CDS में ऐसा है, देखो, क्रेडिट डेरिवेटिव अलाउ हेजिंग विद द थर्ड पार्टी विदाउट द रेफरेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्मिंग एनी रोल इन ट्रांजैक्शन। देखो, क्रेडिट डेरिवेटिव में थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। दिस अनेबल क्रेडिटर टू ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क विदाउट लेटिंग द डेटर्स नो ऑफ इट। नहीं पता होता है क्रेडिट डेरिवेटिव में कि इसने प्रोटेक्शन लिया है, मतलब उसको ऐसा रिस्क है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इसने प्रोटेक्शन लिया है तो फिर पेमेंट ही नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो वो प्रोटेक्शन वाला पे कर देगा। यस और नो? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सामने वाले को पता है कि जो जिसके पास से मैंने लोन लिया है उसको मेरे पास से पैसे लेने में रिस्क है और इसलिए उसने प्रोटेक्शन लिया है, तो वो पेमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि प्रोटेक्शन लिया है तो वो सामने वाला उसको पेमेंट करने वाला है। तो जिसने लोन लिया है उसको, डेटर्स को नहीं पता होता है कि प्रोटेक्शन सामने वाले ने लिया है। लेकिन फाइनेंशियल गारंटी, अभी फाइनेंशियल गारंटी क्या है पता है ना,
अब जब लोन लेने के लिए जाते हैं एक्चुअली में, तो आपको कुछ गारंटी रखनी पड़ती है। तो जब आप लोन लेते हो तो सामने वाले को पता है कि आपने गारंटी रखा है। तो सिंपल डिफरेंस बता दूं, थर्ड पॉइंट, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड द फाइनेंशियल गारंटी एज अ फॉर्मर इज बायलेटरल व्हाइल लेटर इज नॉर्मली ट्राइलेटरल। बायलेटरल और ट्राइलेटरल मतलब जो फाइनेंशियल गारंटी है ना वो बायलेटरल है और CDS है ना वो ट्राइलेटरल है। फाइनेंशियल गारंटी बायलेटरल मतलब फाइनेंशियल गारंटी दो बीच में होता है कि मैंने आपको लोन दिया और आपको मुझे कुछ एज ए गारंटी देना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको लोन दिया तो आपको पता है इन अ फाइनेंशियल गारंटी, मैंने आपको लोन दिया तो आपको मुझे एज ए गारंटी देना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि आपने गारंटी दिया है और आपको भी पता है। लेकिन जो CDS है जिसने लोन लिया है उसको नहीं पता है कि सामने वाले ने गारंटी लिया है किसी और से, प्रोटेक्शन लिया है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ फटाफट देख लेते हैं, दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ CDS। CDS का एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत इनकम सिंपल है, इनकम जनरेशन फॉर प्रोटेक्शन सेलर। सेलर के लिए ये क्या है, एक इनकम जनरेशन। मैं डिटेल में नहीं पढ़ता बट सिंपल है, प्रोटेक्शन सेलर जिसने प्रोटेक्शन सेल किया है अगर क्रेडिट इवेंट नहीं होता है तो उसको प्रीमियम का बेनिफिट होगा, रेगुलरली जो प्रीमियम मिला है वो। ठीक है, तो इनकम जनरेट होता है किसके लिए, प्रोटेक्शन सेलर के लिए। सेकेंड, रिस्क फ्री पोजीशन होता है प्रोटेक्शन बायर को, क्या उसका पोजीशन हो जाता है रिस्क फ्री। वो रिस्क फ्री हो गया क्योंकि वो अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो जिसके पास से हमने प्रोटेक्शन लिया है वो मुझे पेमेंट देने वाला है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इनकम जनरेट होता है प्रोटेक्शन सेलर के लिए। दूसरा, रिस्क फ्री पोजीशन हो जाता है किसका, जिसने लोन दिया है प्रोटेक्शन बायर। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क फॉर बायर एंड सेलर, सेलर एंड बायर का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो दीस आर द एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक क्या था, CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, अभी है टोटल रिटर्न स्वैप। ध्यान से समझना, we do not have much time, we have only 15 minutes. Now what is total return swap? चलो मुझे ये बता दो, ये जो हमने credit default swap पढ़ा, ये CDS credit default swap, ये क्या करता है, ये आपको किससे protection देता है credit default swap? तो credit default swap generally protect you against default risk. वो आपको किससे protect करता है, default risk के protect करता है। मतलब सामने वाला पैसा नहीं देगा तो आपको उससे protection मिलेगा। बट दिस टोटल रिटर्न स्वैप आपको डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्रेडिट रिस्क से तो आपको प्रोटेक्शन देता ही है, बट मार्केट रिस्क से भी प्रोटेक्शन देता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस CDS एंड TRS। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो हमने अलियर पढ़ा वो सिर्फ आपको क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन देता है, क्रेडिट रिस्क मतलब डिफॉल्ट रिस्क। बट ये जो टोटल रिटर्न स्वैप है वो क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। अभी आप बोलेंगे सर व्हाट इज हाउ दिस मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क जब आपने किसी को लोन दिया है सपोज, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा ना। चलो हमने किसी को लोन दिया 10%, क्लियर, लेकिन मार्केट में हमने उसको 2 साल के लिए 10% फिक्स रेट से लोन दे दिया, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% हो गया, तो मुझे तो हर साल 2% का लॉस है ना। तो वो जो 2% है वो मार्केट रिस्क है, क्योंकि मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण मेरे में रिस्क आया, मैंने जो लोन दिया है। ठीक है, तो ये लोग क्रेडिट रिस्क तो मतलब डिफॉल्ट रिस्क तो प्रोटेक्ट करते ही है, इंटरेस्ट रिस्क भी प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर इंटरेस्ट का नुकसान हुआ तो फिर भी जिसने प्रोटेक्शन लिया है वो उसको पेमेंट करेगा। चलो समझते हैं, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये टोटल रिटर्न पेयर और ये टोटल रिटर्न रिसीवर और ये रेफरेंस ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया, लास्ट टाइम जैसे ये रेफरेंस ऑब्लिगेशन मतलब इसने लोन लिया है और इसने लोन दिया है, क्लियर। नाउ अभी ये टोटल रिटर्न पेयर ने गिव द लोन टू द रेफरेंस ऑब्लिगेशन, अभी ये टोटल रिटर्न पेयर को डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, उसको लग रहा है कि मुझे पैसा तो मिल जाएगा, चलो उसका तो थोड़ा ही रिस्क है, लेकिन मुझे क्या रिस्क है, मैंने इसको 10% से लोन दिया है 10% से, लेकिन इन फ्यूचर ये रेट 12% हो जाएगा, एक आध 6 महीने में और एक आध साल में ये इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 12%। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये टोटल रिटर्न पेयर है, इसने रेफरेंस ऑब्लिगेशन को लोन दिया और उसको लग रहा है कि ये जो 10% से मैंने लोन दिया है वो 12% हो जाएगा, तो इसको तो 2% का नुकसान होगा। एक तो रिस्क तो है, क्रेडिट रिस्क तो है ही है,
लेकिन 2% का नुकसान भी है ना इंटरेस्ट का. तो ये क्या करता है, ये दो लोग एग्रीमेंट करते हैं, टोटल रिटर्न पेयर, टोटल रिटर्न रिसीवर. ये लोग क्या करते हैं, ये टोटल रिटर्न पेयर इसको टोटल रिटर्न फिक्स में पे करता है 10%. ये जो इसको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, ये उसको डायरेक्टली 10% याद से ना फिक्स से पे करेगा और इसको मिलेगा फ्लोटिंग से. अगर आपको लेक्चर में याद हो तो ये फिक्स से पे करेगा और उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, फ्लोटिंग. अगर आपने पास्ट लेक्चर अटेंड किए देन एंड देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड. तो क्या करेगा, देखो ये टोटल रिटर्न पेयर हर महीने और हर साल इसको 10% फिक्स पे करेगा और ये टोटल रिटर्न रिसीवर इसको फ्लोटिंग रेट प्लस पे, फ्लोटिंग मतलब जो फ्लेक्सिबल है वो, अगर 12% हो गया तो इसको 12% पे करेगा. ये इसको 10% करेगा, ये इसको रिटर्न में 12%, तो इसको मिल गया ना 12% जो उसको चाहिए था. ठीक है, तो ये जो स्वैप है इसको बोलते हैं टोटल रिटर्न स्वैप. यहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क तो प्रोटेक्ट हुआ ही हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट का भी रिस्क भी प्रोटेक्ट हुआ. मतलब इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो उसका भी प्रोटेक्शन मिलता है. सिंपल, जो हमने CDS पढ़ा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, उसमें सिर्फ क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्ट होता है. इन टोटल रिटर्न स्वैप दे प्रोटेक्ट क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क मीन्स चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट. क्लियर. चलो, कैश फ्लो ऑफ TRS टोटल रिटर्न स्वैप ऑन ईच कूपन डेट. कूपन डेट मतलब जो डेट हमने डिसाइड किया है. तो पेयर पे कूपन द रेगुलर रिटर्न एंड रिसीवर फ्लोटिंग रेट. सिंपल, ये इसको हर जो डेट हमने डिसाइड किया है ये कूपन से इंटरेस्ट पे करेगा, फिक्स से इंटरेस्ट पे करेगा और ये इसको फ्लोटिंग से इंटरेस्ट पे करेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑन डेट दैट वी डिसाइडेड ये टोटल रिटर्न पेयर इसको फिक्स से पे करेगा इंटरेस्ट और इसको फ्लोटिंग से पे करेगा. एंड जब मैच्योरिटी होता है, व्हेन इट इज मैच्योर ऑन कंक्लूजन ऑफ द स्वैप, जो एक्चुअली गेन है, एक्चुअली गेन, ये टोटल रिटर्न पेयर इसको एक्चुअल गेन पे करेगा और ये टोटल रिटर्न रिसीवर इसको पे कर देगा जो एक्चुअल गेन है. ठीक है, तो इससे अगर ये लेकिन ये टोटल पे कब करेगा, समझ में आया, जब ये रेफरेंस ऑब्लिगेशन अगर पेमेंट लोन का नहीं करता है तो ये जो एक्चुअल है उसको पे करेगा और जो फ्लोटिंग में जो एक्चुअल वैल्यू बनता है लोन का ये इसको पे कर देगा. ठीक है, तो सिंपल है. टोटल रिटर्न पेयर में ये जनरली आता नहीं है, CDS ज्यादा पूछा जाता है, बट ये उसका एक पार्ट है. सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे टू रिस्क का प्रोटेक्शन होता है, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क. सिंपल, ये भी हो गया. नाउ टोटल रिटर्न स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप. अभी मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया, टोटल रिटर्न स्वैप जो अभी हमने समझा, इंटरेस्ट रेट स्वैप. अंडर इंटरेस्ट रेट स्वैप इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कवर्ड एंड डिफॉल्ट रिस्क इज नॉट कवर्ड. ये इंटरेस्ट रेट स्वैप हमने शायद 6th नंबर का चैप्टर पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट स्वैप 5th या 6th. तो जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है उसमें ये फॉरवर्ड फ्यूचर के बाद आता है चैप्टर कॉल इंटरेस्ट रेट स्वैप. ये इंटरेस्ट रेट स्वैप से सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रोटेक्ट होता है, बट ये टोटल रिटर्न स्वैप से इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क, सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरेस्ट रेट स्वैप से सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क कवर होता है. हालांकि ये जो टोटल रिटर्न स्वैप है वो इंटरेस्ट रेट एंड डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट मतलब मार्केट रेट, मार्केट रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क दोनों को कवर करता है. ठीक है, अंडर TSR डिफॉल्ट रिस्क इज कवर्ड, ये भी कवर होता है. क्लियर. नाउ टोटल रिटर्न स्वैप एंड CDS. CDS मतलब अभी हमने आगे जो पॉइंट पढ़ा, इन दोनों का एक ही डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है एक बार समझो तो आप खुद. टोटल रिटर्न स्वैप दो रिस्क को कवर करता है. अगेन रिपीटिंग, टोटल रिटर्न स्वैप टू रिस्क कवर करता है. वन, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, सॉरी इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क. यस और नो? टोटल रिटर्न स्वैप कवर टू टाइप ऑफ रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क. हालांकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क को ही कवर करता है. क्लियर, तो TRS इज बेटर. क्लियर. नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट, सेक्युलराइजेशन. सेक्युलराइजेशन क्या होता है, एक आध वर्ड्स में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में. लोन आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड लैक लिक्विडिटी. लोन एक ऐसी चीज है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती और इजिली लिक्विड नहीं है, है ना, लोन को हम इजिली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. देयरफॉर
holder of these loan may convert such non-transferable assets into the transferable one by process called securitization. देखो, loan को कभी transfer करना possible नहीं है, लेकिन अगर अभी ऐसी facility available है कि you can transfer the loan. Again समझो, loan एक ऐसी चीज है जो easily liquid नहीं है. पहले के time में loan ऐसे है कि आपने लिया तो you have to pay the loan. But now there are so many options. You can आपको उस आप उस आप उसको लिक्विड बना सकते हो. लिक्विड मतलब क्या, आप आपकी लोन किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में भी आप लोन ट्रांसफर कर सकते हो. तो इन शॉर्ट, जो नॉन ट्रांसफरेबल असेट्स हैं उसको ट्रांसफरेबल बनाते हो तो उसको बोलते हैं सेक्युलराइजेशन. ठीक है, जनरली लोन की बात कर रहे हैं. लास्ट पॉइंट, क्रेडिट लिंक नॉट. ठीक है, लास्ट लू स्लाइड. अ क्रेडिट लिंक नॉट इज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव. एक क्रेडिट डेरिवेटिव का पार्ट है, अलाउइंग द इश्यूअर टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द इन्वेस्टर. ये क्या करता है, क्रेडिट रिस्क इन्वेस्टर को पास करता है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू हेज द डिफॉल्ट रिस्क ऑन द इश्यूअर क्रेडिट. ठीक है, डिफॉल्ट रिस्क को एक CDS जैसा ही है, बट उसका नाम है क्रेडिट लिंक नॉट. ये इन्वेस्टर को रिस्क ट्रांसफर करता है. चलो समझते हैं, नीचे लिखा है क्रेडिट लिंक नॉट इज अ फंडेड प्रोडक्ट दैट आर्ग्यूमेंट्स द रिसोर्सेस ऑफ इश्यूअर एज वेल एज ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क. They transfer the credit risk. In CDS, there is no cash flow. हाँ, ये अभी आप बोलेंगे, सर ये CDS जैसा ही है, तो CDS और इसमें difference क्या है? तो CDS में अगर आपको CDS करना है, तो initially premium pay करना पड़ता था. Premium pay करते थे ना, वो diagram में अगर आपको याद हो तो. Premium pay करके ही आप risk को protect कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे initially premium pay करने की ज़रूरत नहीं है. देखो लिखा है. There is no cash flow from the protection seller to protection buyer at the inception. Inception means starting of the contract. So premium pay करने की ज़रूरत नहीं है जो CDS में था. चलो एक last slide एक example समझते हैं. Suppose a person extend a loan to a person B at a particular rate of interest. However, B's finance do not look to be very sound at the moment, and A is worried that B might default on the loan given to him. So he has this risk. A, find a group of investor to whom he would issue the credit link not. अभी क्या है, A ने B को loan दिया है, लेकिन A को लग नहीं रहा है कि B उसको पैसे वापस देगा. तो A ने credit link not लिया है किससे, investor के पास से, जो third party है, वो उसको गारंटी देता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है. क्लियर, एक ही डिफरेंस है सीडीएस से. एक ही डिफरेंस है कि ए ने बी को लोन दिया है, अभी ए को लग रहा है कि बी शायद पैसा वापस नहीं देगा, इसीलिए ए ने टेक अ सिक्योरिटी फ्रॉम द इन्वेस्टर, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है. चलो, एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी अगर बी पेमेंट नहीं करता है लोन का, तो वो इन्वेस्टर उसको पेमेंट कर देगा. क्लियर, लेकिन अगर पेमेंट कर देता है, देखो नाउ इफ बी कीप हिज प्रॉमिस एंड पे बैक द एंटायर लोन टू ए. सपोज बी ने प्रॉमिस निभाया और ए को पे कर दिया एट द स्पेसिफाइड टाइम, ए इज बाउंड टू मेक ऑल द पेमेंट टू ऑल द इन्वेस्टर, और वो जितना पेमेंट बोला था वो इन्वेस्टर को कर देगा, जितना कमीशन या जो जितना पेमेंट बोला था. लेकिन अगर बी पे नहीं कर पाता है, तो ये बी पेमेंट नहीं करता है, तो उसका पैसा कौन पे करेगा, ए को, इन्वेस्टर पे करेगा. ठीक है, जैसे हमने सीडीएस में पढ़ा. क्लियर, तो सीडीएस और क्रेडिट लिंक नोट में एक ही डिफरेंस है, याद रखो कि उसमें प्रीमियम देना पड़ता था जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, वो एक है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है क्योंकि प्रीमियम नहीं. क्लियर, सो हियर वी एंडिंग द